फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना ना थोड़ा सा लुक चेंज कर लेती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अपना वैलेंटाइन डे अपने मम्मी पापा एंड फैमिली के साथ मनाती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ही मेरा वैलेंटाइन है। तो मैंने सोचा कि इस वैलेंटाइन डे को अपना लुक चेंज तो कर ही सकते हैं ना। तो लुक चेंज करने के लिए मैं अपने हेयर्स को हाईलाइट कलर करने वाली हूँ। और आप सबको पता है मैं कौन सा कलर करने वाली हूँ? मैं करने वाली हूँ गार्नियर का कलर नेचुरल का 7.65 रास्पबेरी रेड। तो इसकी प्राइस है 249। और इसके मैं बेस्ट हाइलाइट्स बनाने वाली हूँ अपने बालों में। तो मैंने जब लास्ट टाइम कलर करवाया था, तो आप में से काफी सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो पहले उन क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें हेयर कलर के बाद कब शैम्पू करना चाहिए? वैसे हमें शैम्पू 24 आवर्स के बाद ही करना चाहिए, लेकिन 48 आवर्स मच बेटर होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, हमें हेयर कलर के बाद कितने ऑफन शैम्पू करना चाहिए? तो आंसर है, हमें हेयर कलर के बाद में वीक में 3 बार शैम्पू करने तक की लिमिट्स रखना चाहिए, अगर आपका हेयर कलर इंटेंस हो जैसे कि रेड। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, क्या हम हेयर कलर के तुरंत बाद हेयर वॉश कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, आपको हेयर कलर रखना है 30 मिनट्स के लिए, और 30 मिनट्स के बाद आपको सिर्फ पानी से हेयर धो लेने हैं, और उसके 48 आवर्स के बाद आपको शैम्पू से हेयर धोने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि क्या हम वेट हेयर्स में कलर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए तो आपको ड्राई हेयर्स में ही हेयर कलर करना होगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम ना हेयर कलर बाय कर लेते हैं, फिर उसको यूज कर लेते हैं, और हमें बाद में समझ आता है कि अरे यार, ये कलर तो हमारे हेयर्स पे सूट नहीं हो रहा। इसलिए गार्नियर के वेबसाइट पे हमें वर्चुअल ट्राई ऑन का ऑप्शन भी मिल जाता है, ये देखो। तो हम गार्नियर के वेबसाइट पे जाके वर्चुअल ट्राई ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे वर्चुअल ट्राई ऑन पे आपको क्लिक करना है एंड अपना फोटो अपलोड करना है, एंड आपको जो भी हेयर कलर पसंद आए उस पर क्लिक करके देखना है कि वो आपके बालों में सूट हो रहा है या नहीं। तो मुझे अपने बालों पे हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए रास्पबेरी रेड कलर पसंद आया, तो मैंने 7.65 रास्पबेरी रेड बाय कर लिया। यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करो, क्लिक करो और देखो कि आपके बालों में कौन सा कलर सूट होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही बाय करो। तो मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया है गार्नियर कलर नेचुरल का 7.65 रास्पबेरी रेड। तो ये आपके बालों को कलर करने के साथ साथ आपके बालों में नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा, और ये बिल्कुल अमोनिया फ्री है। चलो अभी देखते हैं ये बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो कलर अप्लाई करने से पहले आपको हमेशा पेट्रोलियम जेली अप्लाई करना है आपके हेयर्स के लाइन पे और कान के पीछे, ताकि स्किन को कलर ना लगे। और फिर आपको ग्लव्स पहन लेने, जो कि प्रोडक्ट के साथ ही हमें मिलते हैं इस बॉक्स में। लेकिन सबसे पहले हमें इसका पैच टेस्ट करना भी बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम हमारे हेयर्स की कुछ ट्रिप पे इसका पैच टेस्ट करके देखते हैं, और फिर उसके बाद हम मिक्स कर लेंगे कलर एंड डेवलपर। कलर एंड डेवलपर 1:1 के रेशो में मिक्स होना चाहिए, मीन्स जितना कलर उतना ही डेवलपर मिक्स करना है, और इमीडिएटली इसको अप्लाई कर लेना है। चलो फुल हेयर्स की स्ट्रिप क्रिएट करते हैं एंड कलर करते हैं। तो मैं ना अपने हाइलाइट्स कुछ ही हेयर्स में करने वाली हूँ। तो कलर शुरू करने से पहले हमेशा पेट्रोलियम जेली अप्लाई करना है अपने पूरे हेयर लाइन पे एंड कान के पीछे, ताकि कलर आपके स्किन को ना लगे। तो हमने स्ट्रिप्स बना लिए, तो ऐसे ही इसको अप्लाई करना है और 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। के बाद सिर्फ नॉर्मल पानी से हेयर वॉश कर लेना है एंड शैम्पू यूज नहीं करना है, ये बात हमको ध्यान रखना है। एंड बालों को अच्छे से वॉश करने के बाद में आपको कंडीशनर अप्लाई करना है, जो कि इस पैकेजिंग के साथ मिला है। बस 2 मिनट के लिए कंडीशनर को अप्लाई करना है, फिर उसको नॉर्मल पानी से धो लेना है, और फिर आपको मिल जाएगा एक बेस्ट हेयर कलर एंड न्यू लुक। तो ये है मेरे बालों का बिफोर एंड ये है मेरे बालों का आफ्टर लुक। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो।